लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईवीएम को लेकर के कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। बैज ने कहा कि वोटिंग के 10-12 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, यह देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इधर कांग्रेस के आरोप का पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं है, विपक्ष केवल हार का बहाना ढूंढ रहा है। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे, इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ। और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अब मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। कहीं ना कहीं शंका का विषय है, इस पे स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में किसी तरह के छेड़छाड़ के कोई प्रमाण नहीं है,